There are more than 1500 ghost villages in Uttarakhand and I decided to visit one of them. तो 15 घंटे की जर्नी और 3 बार थ्रो अप्स करने के बाद मैं फाइनली पहुंच गई। पर क्या मुझे घोस्ट टाउन मिला? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा घोस्ट टाउन है, इसलिए मेरा पहला चेक पोस्ट था लैंसडाउन। लेकिन मैं मेन मार्केट में पहुंच गई लैंसडाउन के, जहाँ पे मिलिट्री वाला एरिया है, यहाँ पे होटल्स बहुत कम है। तो देखो नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके क्या मिलता है। एक और दिक्कत ये है कि 5 बज चुके हैं अभी। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है बादलों की वजह से, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठंड नहीं लग रही है पर कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब लेट सी, ज्यादा शाम नहीं होनी चाहिए हमें होटल ढूंढने में, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, कहीं रास्ते पे ही ना सोना पड़े। एंड आई एम एंजॉयिंग। लाइक पिछले 15 मिनट से ये शॉर्टकट ले रहे हैं। बाय रोड भी सेम ही सीन था, एटलीस्ट बाय रोड ये डर नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ खत्म हो जाएंगे। एक बहुत सुंदर सा बार प्लस होटल मिला था, उसका कॉस्ट वन रूम का है 4500। उसके सारा ट्रैवल बजट फ्रेंडली होना चाहिए तभी मजा आता है। उनसे वैसे काफी सुंदर था ये। व्हाटएवर, ये जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, इनकी अपनी खेती है ये सारा कुछ। इधर कॉर्न लगा हुआ है, ये अंकल जिनका है ये, मतलब जो यहाँ पे खेती करो, काफी प्यारे हैं, बहुत प्यारे। कोई आज इसने आना था तो तब आ जाता, बाकी घर में बकरी या बैल। अच्छा, तो उनकी देखभाल से उनकी तो यहाँ पे तभी आते हो जब कोई आता है? हाँ जी, हाँ तभी आता हूँ। अच्छा, तो हम बाई चांस आ गए आपके। हाँ, किसने आना था ऐसे हो। अच्छा, तो वो अभी आई नहीं, आते ही नहीं आते, कोई होता कि अलग अलग काम पड़ जाता है किसी का। हाँ। तो आप देखिए, आप तो आप 8-10 किलोमीटर फिर किसी गाड़ी से स्कूटी में। अच्छा, स्कूटी सब तो बढ़िया है। किस समय पे ऑर्डर आ जाए तो मैं उसी समय चलता आ जाता हूँ। तो आप मतलब सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, मैं अभी मैं 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे। मैं बाहर आया था ऐसे, अब देखा आपको, मैंने कहा कोई आ गया शायद। अच्छा, हम लकी हो गए। सही बात। इस गांव से मतलब काफी लोग चले गए? बहुत चले गए सारे घर। इस घोस्ट टाउन का नाम है गोयू और यहाँ पे लगभग 9 फैमिलीज रहती हैं और सारी फैमिलीज कुछ ना कुछ काम धंधा अपना करती हैं, कोई भी किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपना कोई स्टार्टअप है, अपना कोई बिजनेस है। और हम यहाँ पे एक्चुअली एक्सीडेंटली पहुँचे हैं, हम कहीं और ही जा रहे थे, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन सडनली हमें कुछ आर्मी वाले लोग मिले थे, उन्होंने हमें शॉर्टकट दिया था, क्योंकि मैंने बताया कि शॉर्टकट 15 मिनट से भी ज्यादा था। 15 मिनट से ये शॉर्टकट ले रहे हैं? और पता है, एक्चुअली नीचे पहुंचते इतनी धुंध थी कि हमें कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कुछ है पाथ, हमें लग रहा है कि कहीं खाई में तो जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग प्लस स्पूकी बात कि यहाँ पे कल परसों में नोलेपर्ड ने एक औरत पे हमला किया था और अंकल अभी पूरा डिटेल बता रहे थे, उनका पूरा हाथ एक खा गया था। वो मेरे दिमाग में चल रहा था भाई, दबे उसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं थी, मुझे लगा कि कहीं से भी आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने अंकल से पूछा कि भाई अंकल क्या तरीका है उसे बचने का, अंकल वाज लाइक कुछ नहीं, वो अपने आप चला जाता है, वो इंसानों से भी डरता है, इनको बस मेंटल ट्रेनिंग मिली हुई है कि कोई बात नहीं देख लेंगे, हमें नहीं मिली है भाई, हम तो पापा की परियां हैं। थिंग इज कि हम यहाँ से यहाँ पे एक्सीडेंटली पहुंच गए, हमें अंकल भी मिल गए, हम उस गांव में भी पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना था। मेन मोटिव इस वीडियो का यही है कि हम घोस्ट टाउन विजिट करें, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घोस्ट टाउन पाए जाते हैं, उत्तराखंड के भी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और इसी डिस्ट्रिक्ट में लैंसडाउन है, एक तहसील है, और इस तहसील में बहुत सारे गाँव है जो की लोग छोड़ के जा चुके हैं। क्यूँ, इसका रीजन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पेपर्स और न्यूज आर्टिकल्स में है वही है रीजन या कुछ और भी है। ओके बाय, नेक्स्ट डे देखते क्या होता है। और भाई साहब अगले दिन बारिश शुरू हो गई, बारिश होती रही, मैं बैठी रही। मैं खाती रही, बारिश होती रही।
बारिश होती रही। पूरे एक दिन के बारिश के बाद मैंने एक व्यू देखा, मुझे आपको दिखाना है कौन सा व्यू है। हाँ अंकल वही बता रहे हैं, सडनली दिखाए बहुत जगह है। बहुत जगह है। ये मेरी लाइफ का बेस्ट व्यू था, पर मुझे ये जानना था कि इस जगह को छोड़कर लोग जा क्यों रहे हैं, तो मैं निकल पड़ी यहाँ के लोगों से बात करने। आपका नाम क्या है? मांच बेदवाल। आपका? मयंक बेदवाल। तो आप स्कूल जाते हो यहाँ पे? हाँ। कितने दूर है आपका स्कूल? मतलब दो किलोमीटर होगा, दो बीघाट है। तो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? ठीक ठाक ही होती है, मतलब। हाँ ठीक ठाक होती है। हाँ टीचर, बच्चे नहीं पढ़ते बस। मतलब आप लोग नहीं पढ़ते? ना ना बच्चे और बच्चे बिगड़े ना। तो आप बिगड़े बच्चों में नहीं आओ, सब्जेक्ट ही नहीं के नाम पे कुछ है ही नहीं, मतलब जो है पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल के, उसमें कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल के नाम पे तो बताऊं तो कहीं भी कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं बाहर साइड तो होता है पर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत तो होता है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो मैम इसकी दिक्कत है थोड़ा, हॉस्पिटल की स्कूल हो गया, हॉस्पिटल है पर वो सुविधा नहीं मिलती जो चाहिए हमें। स्कूल सरकारी बोले तो 12 तक है। लेकिन कितने दूर पे है इस जगह से? ये लंचडाउन में है, 7 किलोमीटर पर। अरे लोग छोड़ के गए, स्कूलें थी, स्कूलें कुछ बंद हो गई यहाँ। अच्छा, जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल बंद होगी। आपने अपने बच्चों को यहीं पढ़ाया है? हाँ यहीं पढ़ाया हमने, यहीं पढ़ाया हमने। यहाँ से आपको क्या लगता है क्यों छोड़ के जाते हैं, मतलब ज्यादातर गांव ऐसे क्यों हैं जहाँ से सारे ही लोग छोड़ के चले गए हैं? वो तो एक तो सड़क से दूरी हो गई, उनकी कोई सुविधा नहीं है उनके पास, स्वास्थ्य की नहीं, शिक्षा की नहीं, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ सुविधा कम है पर बाहर से अच्छा ही है, पर खेती कोई कर नहीं रहा तो जमीन उपजाऊ कहाँ से रहेगी। मेन ये सोचते हैं कि बाहर जाके सुविधा ज्यादा मिलेगी। अच्छा, जब यहाँ रहेंगे तभी तो सरकार कुछ करेगी। गांव में बाघ का आतंक ज्यादा है, चीता बोलते हैं जिसको, तो आ क्यों रहा है इसके बारे में किसी ने सोचा? जब अगर झाड़ी नहीं काटेंगे हम, उन जंगल में घुस रहे उनके, तो कहाँ आएंगे? हमारे घर तो आएंगे। अगर तेंदुए ने आदमी को मार दिया तो उसमें केस नहीं होगा, क्योंकि उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर हमने मार दिया तो हम पे सारा केस होगा। वही फैसिलिटीज पलायन हो रहा है बस गांव में, पानी भी नहीं है। पानी तो नाम पता है नहीं, इतनी बारिश हो रही है, पानी नहीं है। तो बरसात में तो तो कोई हार्वेस्टिंग नहीं करते, जमा नहीं करते पानी, उसको यूज नहीं करते वापस। डेंगू पहले जगह तो बहुत अच्छी है पर स्कूल मतलब, और हॉस्पिटल ना, यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, कोटद्वारी है। यहाँ पे कैसे फिर इनकम आता है, आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो कभी ठेकेदारी करता था, छोड़ दिया मैंने, 3 साल हो गए। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो? इस समय कुछ नहीं करता, बस अपनी गाय आने लग गई, बस इनको छोड़ के आ गया ऊपर जंगल में। हाँ। शाम तक आ जाती है, 5 बज गए इनका टाइम फिक्स। अच्छा, है बस, ये अपनी अपनी जगह पहुंच जाती है, बस 5 बज गए अपने घर के रास्ते लग गई है अभी। अभी इनको बेचारों को भी मैंने देखा चलने में दिक्कत हो रही थी, ये ऐसे ना, तो ये चल, ये जरा ये भी वैसी है ना, ये दूसरी नस्ल की है, इसको दिक्कत है। अब ये आगे देखो कैसे भाग के आगे, देखो जैसे धीरे धीरे फैमिलीज निकल रही हैं, तो फिर आप लोग अगर 2-3 बच्चे, 2-3 फैमिलीज बची तो रह पाओगे यहाँ पे कैसे? फिर तब तो मुश्किल हो पाया फिर। ना ना हम तो नहीं जाएंगे, हमारे नहीं जाएंगे। हमारे सारे परिवार इधर ही हैं अभी। हमारा एक्चुअल मोटिव था यहाँ पे घोस्ट विलेजेस जाके देखने का। घोस्ट विलेजेस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे भूत प्रेत मिलेंगे, घोस्ट टाउन का मतलब है कि जहाँ पे कोई नहीं रहता, अब नहीं रहता, पहले लोग रहते थे, पहले फैमिलीज रहती थी। जहाँ पे स्टे कर रही हूँ वही घोस्ट टाउन ही है। ऐसा सीन है इस गाँव का की 8 से 9 फैमिलीज रहती है यहाँ पे। उनका कहना है की एग्रीकल्चर के बेसिस पे अब वो अपना पालन पोषण नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है क्रॉप्स की वो नहीं हो रही है ढंग से। मतलब सीजनल वेरिएशन इतने हैं कि जो जिस टाइम उगना होता है वो नहीं उगता है। लाइक प्याज लहसुन वो कह रहे हैं कि एक साथ उगते हैं, लेकिन एक बार को ऐसा हुआ कि कुछ आया ही नहीं। मतलब क्रॉप ग्रोन है, सब कुछ है, पानी भी दे रहे हैं, इरिगेशन भी है, लेकिन कुछ आया ही नहीं। सरकार कर रही है सब्सिडीज एंड ऑल, लोन्स एंड ऑल, कि अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस करो, बट स्टार्टअप बिजनेस से सब कुछ नहीं हो पाता है। ओवरऑल जो बेसिक अम्यूनिटीज है कहीं पे भी, जैसे कि बिजली, पानी, खाना, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब मिलना चाहिए। मेरी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, मैं एक्चुअली इस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसने अपनी शहर की जिंदगी छोड़ के अकेले अपने दम पर एक घोस्ट विलेज को रिवाइव कर दिया है। इन्हें 4 साल से ज्यादा लग गए अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में।
So let's stay together in this journey and help me share this video ताकि ये video उन तक पहुंच जाए।